हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 2, जिसमें देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। तो देखिए, पहले तो हम समझें कि जावा के प्रोग्राम को किस तरीके से कंपाइल किया जाता है, रन किया जाता है। तो जावा का एक प्रोग्राम, एक जावा फाइल है, डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ इसको आपको बनाना होता है। ये फाइल जब आप कंपाइलर की मदद से कंपाइल करते हैं तो बनती है डॉट क्लास फाइल, जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। तो ध्यान रखिए, जैसे सी सी प्लस प्लस में कंपाइलर होते हैं, वो कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं। यानी आप विंडोज़ के लिए एक अलग कंपाइलर यूज़ करते हैं, लिनक्स के लिए अलग कंपाइलर यूज़ करते हैं, पर जावा में ऐसा नहीं है। जावा में एक ही तरह का कंपाइलर होता है। और सी में, अगर आप सी सी प्लस प्लस में कंपाइलर यूज़ करते हैं, तो वो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक भाषा में कन्वर्ट कर देता है। पर जावा का कंपाइलर जावा के कोड को जिस भाषा में कन्वर्ट करता है उसको हम बाइट कोड बोलते हैं, और वो बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा समझने योग्य नहीं होता। यानी जो भी इस डॉट क्लास फाइल में है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता। तो ये जो कंपाइलर है, ये एक ही तरह का हमारे पास आता है। तो जावा लैंग्वेज में जो कुछ हमने लिखा वो एक डॉट जावा फाइल है, इसी को आप सोर्स फाइल भी बोलते हैं। कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनी उसे डॉट क्लास फाइल बोलते हैं। यदि आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज से फैमिलियर हैं और आपको मालूम है क्लासेस का कॉन्सेप्ट, तो हो सकता है एक जावा के प्रोग्राम में कई सारी क्लासेस बनी हों। तो एक जावा फाइल में अगर 5 क्लासेस बनी होंगी तो उसको कंपाइल करने पर 5 अलग अलग डॉट क्लास फाइल बनेंगी। यानी एक डॉट क्लास फाइल एक जावा क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। एक बार जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और ये बाइट कोड बन जाता है, तो यही बाइट कोड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे क्लाइंट्स पे, हमारे उन लोगों के पास जिनको हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तो मान लीजिए आपके एक फ्रेंड को आप सॉफ्टवेयर देना चाहते हैं, तो आप उसे ये डॉट क्लास फाइल दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कैसे इस फाइल को रन कराएगा, क्योंकि डॉट क्लास फाइल में जो कुछ कोड लिखा हुआ है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आएगा। तो कैसे रन करते हैं जावा के प्रोग्राम को? आप भी प्रोग्रामर हैं तो आपको भी अपने सिस्टम पे जो प्रोग्राम आपने बनाया उसको चला के देखना है, तो आपको भी रन करना सीखना होगा। तो जो फाइल हमने बना ली वो है डॉट क्लास फाइल। इसको रन करने के लिए हम JVM का सहारा लेते हैं। यानी हम JVM, जावा वर्चुअल मशीन, एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से ही कोई भी जावा प्रोग्राम रन कर सकते हैं या जावा की डॉट क्लास फाइल बाइट कोड रन कर सकते हैं। JVM के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो एक्चुअल में होता है इंटरप्रेटर जैसा है। बेसिकली अगर आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में फ़र्क नहीं मालूम है, तो ये समझिए कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है एक दूसरे फॉर्मेट में, जो शायद मशीन के समझने लायक भाषा हो। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके एक दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देता है और एक अलग फाइल बना के स्टोर कर देता है, सो दैट मैं उस प्रोग्राम को लेटर ऑन कभी भी कितनी भी बार एग्जीक्यूट कर सकूं। तो कंपाइलर ने एक बार काम कर दिया, फाइल कन्वर्जन कर दिया, तो अब मुझे कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरप्रेटर के साथ ऐसा नहीं है। इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम की एक एक लाइन को पढ़ता है बारी बारी से और उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है ताकि वो उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फ़र्क है? कंपाइलर एक अलग फाइल बनाकर उसमें पूरा ट्रांसलेशन स्टोर करेगा, इंटरप्रेटर कहीं स्टोर नहीं करेगा। इंटरप्रेटर तो एक पहली लाइन पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देगा ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उस लाइन को एग्जीक्यूट करवा सके। फिर जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे इंटीमेट करेगा कि भाई मैंने पहली लाइन एग्जीक्यूट कर दी है, अब मुझे दूसरी लाइन का ट्रांसलेशन दो, तब जाके इंटरप्रेटर दूसरी लाइन को पढ़ेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा। यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम उस लाइन को एग्जीक्यूट करने में बिजी है, तब इंटरप्रेटर खाली बैठा हुआ है, वो ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है। इस वजह से एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जावा वालों ने इसका एक बड़ा ही नायाब तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो थोड़ा कंपाइलर जैसा है और थोड़ा इंटरप्रेटर जैसा है। यानी क्या करेगा, देखिए, ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर बाइट कोड से पहली लाइन पढ़ेगा,
उसे ट्रांसलेट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी देर में उसे एग्जीक्यूट करवा रहा होगा उतनी देर में ये खाली नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, ये अगली लाइन पढ़ेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा। पर क्योंकि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पहली लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है और इंटरप्रेटर ने दूसरी लाइन को भी ट्रांसलेट कर लिया है, तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम पहली लाइन एग्जीक्यूट कर नहीं लेता उसे दूसरी लाइन देने का तो कोई मतलब नहीं है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या कर रहा है, उस दूसरी लाइन को स्टोर करके रख लेता है अपने पास और फिर तीसरी लाइन को भी ट्रांसलेट कर लेता है। तो हो सकता है कि जितनी देर में ऑपरेटिंग सिस्टम पहली लाइन एग्जीक्यूट कर रहा था उतनी देर में कुछ लाइंस ट्रांसलेट हो चुकी हैं इंटरप्रेटर के द्वारा और इंटरप्रेटर ने उसे थोड़ी कहीं पर स्टोर करके रख लिया है टेम्परेली। तो अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम पहली लाइन एग्जीक्यूट करके अगली लाइन मांगेगा जस्ट इन टाइम कंपाइलर से, तो वो लाइन वहाँ ऑलरेडी ट्रांसलेटेड रखी होगी, रेडी होगी, तो इससे परफॉर्मेंस थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा थोड़ा कंपाइलर जैसा भी बिहेव कर रहा है क्योंकि ये स्टोर भी कर ले रहा है टेम्परेली, और इंटरप्रेटर जैसे भी वर्क कर रहा है कि ये परमानेंटली स्टोर करके एक फाइल नहीं बना रहा है बल्कि ऑन द स्पॉट लाइन को रीड करके एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर यहाँ पर यूज़ होगा जो JVM सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है और इस वजह से ये जावा का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर रन कर पाएगा। समझने वाली बात यह है कि अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मशीन पर रखे हुए हैं, किसी पे लिनक्स है, किसी पे सोलारिस है, किसी पे मैक है, किसी पे विंडोज़ है, तो सेम बाइट कोड, सेम डॉट क्लास फाइल अगर मैं उन सभी कंप्यूटर पे रख दूं तो वो रन हो सकती है बशर्ते उस कंप्यूटर पे JVM इंस्टॉल्ड हो। अब ये याद रखिएगा कि JVM सॉफ्टवेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। ये तो JVM आप बोलोगे ना तो JVM विंडोज़ के लिए अलग आएगा, JVM लिनक्स के लिए अलग आएगा, सोलारिस के लिए अलग आएगा, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JVM अलग अलग आते हैं, पर JVM की वजह से एक सिंगल बाइट कोड किसी भी मशीन पे हो जाता है रन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जावा के बारे में, इसीलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और जावा का ये की फीचर है। अब जावा को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो ये रहा लिंक, आप इसको नोट कर सकते हैं, इस पर जाके आपको जावा डाउनलोड करने को मिलेगी। आपको इस तरह का कुछ पेज दिखाई देगा जिसमें ये आइकॉन दिख रहा होगा, आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें लिखा होगा जावा डाउनलोड। आप ध्यान रखिए आप जावा का स्टैंडर्ड एडिशन वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक स्लाइड मिलेगी, एक स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने को कहा जाएगा, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, ये इंस्टॉलर है, ये एक सेटअप फाइल है, इसको आप जब डाउनलोड कर लेते हो तो कुछ जैसे मेरे पास विंडोज़ है तो विंडोज़ के हिसाब से मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड कर ली है और इस फाइल को मैं जस्ट डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉलेशन होने के दौरान ये बीच में आपसे दो बार पाथ स्पेसिफाई करने को कहेगा, JDK और JRE का। यानी आप जब जावा को इंस्टॉल कर रहे हैं तो बेसिकली आप दो चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं, JDK इंस्टॉल कर रहे हैं और JRE इंस्टॉल कर रहे हैं। JDK का मतलब होता है जावा डेवलपर किट और JRE का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तो JDK इसलिए हमें चाहिए कि जावा का प्रोग्राम हम डेवलप कर सकें, JRE इसलिए चाहिए कि हम जावा के प्रोग्राम को रन कर सकें। तो JDK और JRE दोनों का पाथ वो बारी बारी से पूछेगा। आपको करना ये है कि अपने कंप्यूटर पे किसी भी लोकेशन का जहाँ पे आप जावा को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका पाथ बता दीजिए। तो JDK क्या है, जावा डेवलपर किट। इसके अंदर वो प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं जो कि जावा के प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या और भी कुछ प्रोग्रामर के डेवलपर के काम की चीज़ें हैं। जैसे मुझे कंपाइलर चाहिए, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होगा तभी तो मैं अपने जावा के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर पाऊंगा डॉट क्लास फाइल में, या मुझे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, मेरे क्लास का डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो मुझे जावा डॉक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, या और भी एप्लेट को रन कराना है तो एप्लेट व्यूअर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इस जावा डेवलपर किट के अंदर होते हैं और इनकी वजह से एक प्रोग्रामर डेवलपमेंट कर पाता है। लेकिन इनमें दो सॉफ्टवेयर्स आप बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, जावा सी डॉट ई एक्स ई एक फाइल है जिसको हम बोल रहे हैं जावा का कंपाइलर, और एक जावा डॉट ई एक्स ई फाइल है जिसको हम बोल रहे हैं जावा का एप्लीकेशन लॉन्चर। इसके बाद अगली चीज है जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जिसके अंदर JVM भी होता है और जावा की प्रीडिफाइंड क्लासेस भी होती हैं। तो इसका मतलब अगर हम अपने प्रोग्राम में जावा की कोई प्रीडिफाइंड क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इसलिए चल पा रही है क्योंकि वो क्लासेस
JRE के पास है। तो JRE हमें इसलिए इंस्टॉल करना है ताकि हम प्रोग्राम को रन कर सकें। JRE के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ JVM, जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन इसी के होने की वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाती है। JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, ये प्योरली सॉफ्टवेयर है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम तक हमारे बाइट कोड को ट्रांसलेट करके पहुंचाने का काम करती है, तो कुछ इसे मशीन जैसी फीलिंग दी जाती है। लेकिन देखिए मशीन वर्ड है, सिर्फ वर्चुअल मशीन बोल रहे हैं, ये कोई हार्डवेयर नहीं है। तो आपको ये थ्योरेटिकली अभी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक काम करता हूँ कि मेरे सिस्टम पे मैंने जावा ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो कहाँ क्या सॉफ्टवेयर है ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने जावा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखा हुआ है मेरे कंप्यूटर की एफ़ ड्राइव में, हार्ड डिस्क में एफ़ ड्राइव में। एफ़ ड्राइव के अंदर मैंने एक जावा नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। अब ये पहला वाला फोल्डर इग्नोर कर दीजिए, नीचे के दो फोल्डर्स देखिएगा, ये फोल्डर है JDK का और ये फोल्डर है JRE का। ये दोनों जावा का 8th वर्जन का है और ये 7th वर्जन का था, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको इग्नोर कर दीजिए। अभी आप जब इंस्टॉल करेंगे तो ये दो चीज़ें इंस्टॉल होंगी। तो मैंने जावा फोल्डर के अंदर ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर ली। अब मैं JDK के अंदर आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसमें एक बिन फोल्डर है और बिन फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स दिख रहे होंगे। इसमें आप देखिए एक फाइल है javac.exe, अभी जिसका जिक्र हमने किया था। javac.exe क्या है, कंपाइलर है और इसी की मदद से आप जावा के प्रोग्राम्स को कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल बनाएंगे, यानी बाइट कोड बनाएंगे। javadoc.exe एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। खैर अभी तो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको मानिए, javac.exe ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा java.exe एक प्रोग्राम है जो एप्लीकेशन लॉन्चर है, जावा के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अभी जब भी जावा के प्रोग्राम बनाएंगे, उसे कंपाइल और रन करेंगे, तो आपको सिर्फ ये दो फाइल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये दोनों फाइल्स C++ लैंग्वेज में बनी है। इसके अलावा JRE के अंदर भी बिन फोल्डर है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये DLL फाइल्स होने की वजह से आपको सीधे तौर पे समझ में नहीं आएगी। कई सारी इसमें exe फाइल्स भी हैं, बट बेसिकली इसके अंदर वो सारी क्लासेस रखी हुई हैं जो प्रीडिफाइंड क्लासेस कहलाती हैं, और इसके अंदर JVM भी रखा हुआ है जिसकी मदद से हमारा प्रोग्राम रन हो पाएगा। तो ये दो चीज़ें आपके पास इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही सिंपल लेक्चर था जिसमें हमने इंस्टॉलेशन से जुड़ी बातें देखी। आप इंस्टॉल कर पाएंगे, अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत जाती है तो आप मेरे को कमेंट के ज़रिए भी बात पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए, यदि आपको ये बहुत पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, फेसबुक वॉल पे पेस्ट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आपको अगर मुझसे कुछ कहना है, कोई शिकायत है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ सजेशन है, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझ तक बात पहुंचा सकते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और उसकी लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं यहाँ पे जावा लैंग्वेज की कंप्लीट सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप पूरी जावा लैंग्वेज, कोर जावा का जो पोर्शन है, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन वीडियो के थ्रू सीख सकें। थैंक यू।